आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यदि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा आवेदन देने से इनकार करता है या लिफाफे को वापस कर देता है, आप लोग डाक से भेजते हैं तो वो लिफाफा डाक का नहीं लेता है या किसी कारण से वापस कर देता है, तो क्या करना चाहिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे हर तरह की उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को शीघ्र मिलता रहे तथा एक लाइक अवश्य करते हुए उपयोगी लगे तो शेयर करेंगे अवश्य। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि मैंने पंचायत कार्यालय में एक आवेदन दिया था या आपने किसी भी कार्यालय में आवेदन दिया है और उसे वापस कर दिया है तो क्या करना चाहिए। तो मैंने पंचायत कार्यालय रायपुर नारायणपुर यह बिहार राज्य से संबंधित था, मैंने एक आवेदन दिया था, नाम पता लिखते हुए जो सूचना चाहिए था, मुझे कुछ ग्राम कचहरी से केस संबंधित पूरे विलय की प्रमाणित चाहिए था, इसलिए मैंने यह लगाया था, 10 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर भी दिया था, मैंने हस्ताक्षर और पूरा पता लिखते हुए मैंने इसे डाक के द्वारा भेजा था, लेकिन लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा मेरे आवेदन को वापस कर दिया गया था। आप लोग देख लें कि उन्होंने डाक को वापस कर दिया था, यह मैंने आवेदन दिया था तो डाक के द्वारा लिखा गया था, प्राप्तकर्ता पंचायत कार्यालय नहीं आता इसलिए वापस किया। डाक के द्वारा भी कई दिन उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया था, देख लीजिए आप लोग भी डाक का यह लिखा हुआ प्रत्येक डेट, 6 दिन डाक के माध्यम से भी प्रयास किया गया मिलने का, लेकिन प्रत्येक दिन नॉट फाउंड बताकर वो आवेदन लेने से इनकार किए। और जब मैंने उन्हें कॉल कर मोबाइल से भी संपर्क किया तो भी आवेदन उन्होंने नहीं लिया, तो मैंने बिहार राज्य सूचना आयोग में धारा 18 के तहत यह शिकायतवाद दायर किया था। तो आप लोग भी यदि इस तरह की बात हो, लेने से इनकार किया या लिफाफा वापस किया, तो धारा 18 के तहत आप लोग शिकायतवाद इस प्रकार करेंगे और ध्यान देंगे, शिकायतवाद करते समय एक स्वघोषणा पत्र देना है और सभी जितने भी कागजात देंगे वो सेल्फ अटेस्टेड करके देना है, सभी को क्या करना है, हस्ताक्षर सभी पेज में करके देना है। या देखिए स्वघोषणा पत्र है, अपना नाम पूरा पता लिख देंगे, स्वघोषणा करता हूँ कि समरूप मामले में पूर्व में बिहार सूचना आयोग में शिकायत आवेदन दायर नहीं किया है एवं यह मामला किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण या प्राधिकार में लंबित नहीं, यह स्वघोषणा प्रत्येक में देना है और जितने भी कागजात देंगे उसको सेल्फ अटेस्टेड करके देंगे। तो इस प्रकार आप सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 18 के तहत शिकायतवाद दायर करेंगे। मैंने एक अलग वीडियो में भी शिकायतवाद कैसे दायर करेंगे इसका वीडियो बना चुका हूं, आप लोग अगेंस्ट करप्शन के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो जब मैंने शिकायतवाद दायर किया इस संबंध में, तो अभी मैंने 19 में किया था, 2019 में, अब 2022 में सूचना आयोग से मुझे नोटिस प्राप्त हुआ है इसी केस से संबंधित, आप लोग इसे भी देख लें कि राज्य सूचना आयोग पटना दिनांक 9/5/22 को पारित आदेश हुआ है, बात संख्या इतना से शिकायतवाद का, इसमें कहा गया है, एक डेट दिया गया है और मुझे भी बताने के लिए बताया गया वह लोक सूचना पदाधिकारी का क्या नाम है और वो कहाँ है अभी, उनका पूरा पता वर्तमान पता, शिकायतकर्ता को आदेश दिया जाता है वे उस पदाधिकारी कर्मचारी का नाम और वर्तमान पता जिसके विरुद्ध शिकायत की गई को स्पष्ट करते हुए एक प्रतिवेदन के माध्यम से एक पक्ष में आयोग को संतुष्ट करें कि शिकायत को प्रमाणित करने के लिए उसके पास साक्ष्य तथा वे इसे आयोग के समक्ष रखने को तैयार है। तो यह एक आवेदन के तरह ही अपना पक्ष रखेंगे हम लोग सुनवाई में, या सुनवाई के पहले भी रजिस्ट्री डाक से भेज सकते हैं या वहां जाके जमा भी करा सकते हैं। इस प्रकार यदि हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का प्रयोग करते रहेंगे तो अवश्य भ्रष्टाचार में सुधार आएगी तथा पदाधिकारी भी सो समय अपना काम
करेंगे। यह इसका प्रयोग आप लोग अवश्य करेंगे। जय हिंद।